Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do the ashes that made trees bloom from Honeycomb book, grade 7 CBSE. This is a story about an honest and hard working old couple and their pet dog. ये जो story है ये एक बहुत ही honest और मेहनती लोगों की है जो कि एक old couple था और साथ ही साथ उनके एक पेट डॉग की। The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death। जो इनके पड़ोसी थे वो बहुत परेशान करते थे इन लोगों के और इनका जो डॉग है वो बेचारा एक उसको उसकी डेथ हो गई। A spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways। पर जो डॉग मर गया उसकी आत्मा जो है उसने हमेशा अपने मास्टर को सपोर्ट दिया और साथ में उनको सहारा भी दिया बहुत ही अलग अलग अनएक्सपेक्टेड तरीकों से। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमंड्स देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज पेट वाज अ लिटिल डॉग। जब अच्छे समय चल रहा था डायमंड्स में वहां पर एक ओल्ड कपल रहता था जिनके पास एक पेट डॉग था जो कि बहुत छोटा था। Having no children, they loved it as though it were a baby. उनके कोई बच्चा नहीं था और इसी वजह से वो उस जो उनका pet dog था उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of blue crepe and at meal time, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. अब वो जो ओल्ड कपल था उसमें जो लेडी थी उन्होंने एक ब्लू क्रेप का उसके लिए कुशन बना दिया था और उसका नाम था मुको और जब मील टाइम होती थी तब वो उस पर बैठ जाता था जैसे कोई अपनी बिल्ली बैठ जाती है। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिटबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। और जो बेचारे बहुत दयालु लोग थे वो और वो अपने पेट को वही टिटबिट्स खिलाते थे फिश की अपनी चॉपस्टिक्स से। And all the boiled rice it wanted, और खूब सारी उसको boiled rice देते थे, जितनी भी वो खाना चाहे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like being with a soul. अब जिस तरह से उसकी देखभाल की जाती थी, तो वो जो एक छोटा सा creature था, यानी वो जो pet dog था, वो अपने protectors को बहुत प्यार करता था, जैसे कि वो अपनी ही soul के साथ रहता हो। The old man, being a rice farmer. अब ये जो ओल्ड मैन थे ये एक राइस फार्मर थे। वेन डेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड्स। अब ये जो है स्पेड को लेकर यानी कुल्हाड़ी को लेकर हर दिन खेतों में जाते थे। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेन टू सामा, यानी कि और पूरा सुबह से लेके शाम तक जब तक कि ओ टेन टू सामा यानी जैसा सन को बोलते हैं हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक कि सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप नहीं जाता था तब तक वो मॉर्निंग से लेके उस टाइम तक काम करते थे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। और हर दिन जो ये डॉग है ये उनको वर्क पर फॉलो करता था और उसने कभी भी किसी भी क्या कहते हैं हेरन यानी जो बगला होता है सफेद उसको कभी भी हार्म नहीं किया जो कि क्या कहते हैं रास्ते में बैठे होते थे कभी वो कीड़े खा रहे होते या कुछ भी कर रहे होते थे कभी भी इस डॉग ने उनको हार्म नहीं किया। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। और ये जो ओल्ड मैन था ये भी बहुत पेशेंट वाले आदमी थे बहुत काइंड थे और कभी भी इन्होंने किसी को जिस भी इंसान के जिस भी चीज में जिंदगी होती है उसको कभी परेशान नहीं किया। And often turned up a sod on purpose to give food to the birds. और कभी हो सकता तो वो जो birds होती हैं, ये उनको भी दाना डालती थे। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन एक कुत्ता ये वाला जो इनका pet dog है, ये भागता हुआ इनके पास आया। उसने अपने दोनों पंजे जो हैं, वो आगे निकाल लिए। और अपने हेड से कुछ ऐसे करने लग गया मोशन जैसे वो कुछ पीछे एक स्पॉट को दिखाना चाह रहा है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग
एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले तो ओल्ड मैन को लगा कि शायद वो जो पेट है वो उनके साथ ऐसे ही खेल रहा है, तो उन्होंने उसकी उस पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। पर जो डॉग था वो बस उसको जो है ना, ऐसे होता है कि भाग रहा है, आवाज निकाल रहा है कि वो किसी तरह से कुछ मिनट तक उनकी अटेंशन के लिए करता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। अब फिर ओल्ड मैन को लगा कि नहीं, कोई जरूरी बात है तभी ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने जो है डॉग को कुछ यार्ड्स आगे तक फॉलो किया और वो उस जगह पर गए जहां पर एनिमल ने एक लाइवली स्क्रैचिंग यानी एक कोई जिंदा चीज देखी थी। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। अब उन्हें यह लगा कि यहाँ पर जरूर कोई या तो हड्डी गड़ी हुई है या यहाँ पर कोई फिश का पीस पड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये डॉग इतना ज्यादा वो कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है। तो ओल्ड मैन ने जो अपनी जो कुल्हाड़ी थी या जो उनके पास फावड़ा था उसको उन्होंने अर्थ में गाड़ दिया। वेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। पर जैसे ही उन्होंने गाड़ा, उनके सामने क्या निकल के आया, बहुत सारा सोना। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। बस फिर क्या बात थी, उनको इतना सोना मिल गया कि देखते ही देखते वो ओल्ड कपल जो है बहुत अमीर हो गया। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। अब वो जो, क्योंकि वो लोग बहुत काइंड थे इसलिए उन्होंने एक जमीन खरीदी, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को डिनर वगैरह कराए, फीस्ट कराई और साथ ही साथ जो है जो उनके गरीब पड़ोसी थे उनको भी खूब सारा दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विथ काइंडनेस। और जहां तक हो सका उस कुत्ते को उन्होंने हमेशा उसी तरह से प्यार किया जैसे वो करते थे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब सेम विलेज में, जैसे इसी विलेज में ये दोनों ओल्ड कपल रहते थे जो बहुत काइंड थे, लेकिन उन्हीं के साथ साथ एक ओल्ड कपल और रहता था जो बहुत ज्यादा चालाक थे, चाहे वो बूढ़ा वाला आदमी हो या उसकी वाइफ। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड। ना तो उसमें कोई सेंसिटिवनेस थी, मतलब ना किसी के प्रति दयालु थे, ना उनमें किसी के प्रति इमोशंस थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस। और उन्होंने हमेशा या तो लात मार दी या डांट के भगा दिया हर उस कुत्ते को जो उनके घर के सामने से निकलता था। हियर ऑफ देयर नेबर्स गुड लक they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish. अब जब उन्होंने ये सुना कि हमारे पड़ोसियों का अच्छा लक निकला है कि उनके पास इतना सारा सोना आ गया है, तो उन्होंने जो है उसी डॉग को क्या कहते हैं अपने गार्डन में दिया, बुलाया और फिर जो है खूब सारी उसके सामने फिश के टुकड़े डाल दिए एंड अदर डेंटीज और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें रख दी, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। अब उन्हें लगा कि शायद ये जो कुत्ता है ये हमारे लिए भी कुछ ट्रेजर ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। पर वो जो कुत्ता था वो उस, मतलब बहुत ज्यादा क्रूर पेयर था कि वो हमेशा डांटता रहता था, मारता रहता था, उस चक्कर में उसने ना वहां कुछ खाया और ना वहां से वो हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। अब फिर उन्होंने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया दरवाजे से और फिर एक कुल्हाड़ी और फावड़ा उठाया और चल दिए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पाव एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। बहुत थोड़ी दूर पे ही गए होंगे कि जो डॉग है उसको एक पाइन ट्री दिखाई दिया जो कि गार्डन में उगा हुआ था। उसने वहां पर भी अपने पंजे निकाल के और धरती को खोजना शुरू कर दिया जैसे कि इसके नीचे जो है कोई खजाना गढ़ा हो।